Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all have started watching videos, isn't it? We just finished the exercise of chapter 1 in the previous video. So, in today's video, I'm going to start chapter 2 of your EVS book. Name of your EVS book, you know, it is Think Green. And I'm sure you have purchased book also, isn't it? If you have not purchased, please purchase it as soon as possible, because without book it will be a bit difficult for you to understand certain things. आपके सामने book होगी तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे जो भी मैं explain करूंगी. आज का जो हमारा video है उसमें हम start करने वाले हैं chapter 2. So if you are having book, open your book. If you are not having, then listen to me. Whatever I am saying, kindly note down if you feel like writing. मैं board पे कुछ भी लिखूंगी तो आप उसे note कर लीजिएगा. हमारा chapter है 2 और इसका नाम है We Need Food. We Need जिन बच्चों के पास पुरानी वाली बुक होगी उसमें होगा फूड वी नीड. बस थोड़ा सा हेर फेर कर दिया है. पहले जो पुरानी एडिशन की बुक है उसमें लिखा हुआ है फूड वी नीड एंड इसमें है वी नीड फूड. मेन हमारा फोकस क्या है? फूड. ओके, फूड इज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू फूड. तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आप क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. हम सीखेंगे इस चैप्टर में पहले तो ये सीखेंगे कि सोर्स ऑफ फूड. पहले नहीं, मतलब एक प्रॉप आगे पीछे जैसे भी सीखें, हमको ये जानना है इसमें पहले तो सोर्स ऑफ फूड कि हमको खाना मिलता कहाँ से है ये जानेंगे. फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फूड भी जानेंगे इसमें. टाइप्स ऑफ फूड, उसके बाद जो बुक इसमें एनर्जी गिविंग फूड किसको बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. फिर पढ़ेंगे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी पढ़ेंगे हम. सीक्वेंस भले भी कुछ भी रहे, पढ़ेंगे ये सारी चीजें. फिर पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड. फिर पढ़ेंगे हेल्दी फूड हैबिट्स भी पढ़ेंगे. और क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे? और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ लिख दिया है. सीक्वेंस यही नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि हमारा सीक्वेंस यही रहे, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ेंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे. आपको तो पता है कि मैं आपको हर टॉपिक के साथ कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी बताती रहती हूँ. आपको वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिए कि उसमें से बहुत सी चीजें आपको याद रह जाए. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया जाता है वो भी अगर आपको याद रहे, जितना भी उसमें से याद रहे, दैट इज गुड फॉर यू. तो चलिए हम इस चैप्टर को पहले हम शुरू करते हैं. किस तरह से इसको हम शुरू करेंगे? पहला तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जिनमें भी जान होती है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये हम जानते हैं. ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ. मतलब ये मैंने आपको पॉइंट्स बताया है कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. एक्स्ट्रा तो जो पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे ही, ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सब चीजों के बारे में आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा. अब हमारा जो पॉइंट है कि ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, दे नीड फूड. मैं बुक्स को थोड़ा साइड हटा देती हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो अकॉर्डिंगली मैं इसको उठा लूंगी.
is going to happen. All living beings need food. मतलब ये तो फैक्ट है, ये तो इससे सब एग्री होते हैं. ऑल लिविंग बींग, जितने भी जान होती है उनको खाने की जरूरत है, चाहे हम हो, चाहे एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं, जितने भी लोगों में जान होती है उनको खाना चाहिए. जिस भी फॉर्म में, जिसका जो भी फूड है वो खाता है. आप एक लिजर्ड देखेंगे तो वो इंसेक्ट खाती है, स्नेक देखेंगे तो फ्रॉग खाता है, बर्ड्स को देखो ग्रेन खाता है. तो ऐसे ही सारे लिविंग क्रीचर्स को फूड की जरूरत पड़ती है. क्यों जरूरत पड़ती है? व्हाई डू वी ईट फूड? क्यों हमें जरूरत पड़ती है? ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, ये तो हम जानते हैं ना. दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी. कुछ और मिले ना मिले, खाना तो मिलना चाहिए, है ना. भले हमारे पास 10-20 कपड़े ना हो, दो ही कपड़े हो काम चल जाएगा, लेकिन फूड तो हमें रोज चाहिए, है ना. फूड एंड वाटर, दीज आर फूड, एयर एंड वाटर, ऐसे मान लेते हैं. भले हमें रोड पे हम जो रहते हैं, जिनके पास घर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, पर खाना तो उन्हें भी चाहिए जिंदा रहने के लिए. तो ये हमारी सबसे बेसिक नेसेसिटी है. फूड इज आर बेसिक नेसेसिटी. एग्री? ओके. क्यों चाहिए फूड? क्यों हम खाते हैं? व्हाई डू वी नीड फूड? व्हाई वी नीड फूड? इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज, ये मैं बता देती हूँ, वी need food. क्यों चाहिए? It keeps us healthy. पहला पॉइंट हम लिखेंगे, It keeps us healthy. ठीक है, ये हमें हेल्दी रखता है, ये हमें हेल्दी रखता है. पहला तो ये हो गया. दूसरा, It protects us from various diseases. It PROTECT, protect us from various DISEASES. मतलब तरह तरह के, various का मतलब होता है different types of, various का मतलब होता है different types of. So it protects us from various diseases, बीमारियों से बचाता है. और इट PROVIDE प्रोवाइड बोल सकते हैं, गिव बोल सकते हैं, गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, टू डू वर्क, वर्क या खेलने के जो भी हम काम करते हैं, प्रोवाइड भी लिख सकते हैं और गिव्स भी लिख सकते हैं. इससे हमें ये हम कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है. व्हाई डू वी नीड फूड? ठीक है, इट कीप्स अस हेल्दी. पहला पॉइंट है कि हमें हेल्दी रखता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमें हेल्दी रखता है फूड. और किस लिए जरूरत पड़ती है? इट हेल्प्स अस टू ग्रो. बड़े जो बच्चे हैं वो तो बड़े होते हैं ना, तो इट हेल्प्स अस टू ग्रो. है ना, हमें बड़े होने में भी ये हेल्प करता है. और हम क्या करते हैं? वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हम तरह तरह का खाना खाते हैं ताकि हम हेल्दी रहें और फिट रहें. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. ऐसा तो नहीं कि हम डेली एक ही खाना खाते हैं, और डेली एक खाना भी नहीं खाते और तीनों टाइम एक खाना भी नहीं खाते. हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाते हैं, है ना. ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा नहीं है ना जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में वो एक ही चीज खाता है. हम बहुत वैरायटी का खाना खाते हैं, डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू स्टे फिट एंड हेल्दी. इतना आपको समझ में आया, है ना. चलो, तो ये तो मैं पता चल गया कि हम फूड क्यों खाते हैं. ठीक है, वी नीड फूड टू स्टे हेल्दी. वी इट मेक्स अस ग्रो. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. इट कीप्स अस हेल्दी. इट कीप्स अस फिट. इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. सो दीज आर द रीजंस दैट वी नीड फूड. इसी ये सारे रीजंस हैं कि हमको खाने की जरूरत है. अब
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये मैं इरेज करूं फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगी। ये जितनी भी चीजें हैं ये कैसे हो पाता है, फूड हमें हेल्दी कैसे रखता है, कैसे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है, कैसे हमको ग्रो करने में हेल्प करता है, कैसे हमको फिट और हेल्दी रखता है, ये क्या क्या होता है फूड में, ऐसा क्या होता है, व्हाट इज देयर इन द फूड दैट कीप्स अस हेल्दी, व्हाट इज देयर इन द फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज, व्हाट इज देयर इन द फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, व्हाट इज देयर इन द फूड दैट मेक्स अस हेल्दी फिट। फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, आपने वर्ड अक्सर सुना होगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, ये वर्ड आप जब कोई चीज का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस ड्रिंक, ये सब वर्ड आपने सुना होगा। तो फूड जो हम खाते हैं दैट कंटेन्स सब्सटेंस दैट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसा होता है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, इट कंटेन्स सब, और उन सब्सटेंस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैं लिख देती हूं, द फूड CONTAINS कंटेन्स SUBSTANCES सब्सटेंसेस दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी, और उसी सब्सटेंस को, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। वो जो सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये जो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उनमें कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हेल्दी रखती है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, तो उन्हीं सब्सटेंस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स के नाम भी होंगे, बिल्कुल है इनके नाम। तो हमारे जो फूड में जो है फाइव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइव इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देयर आर फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स, there are five main अब आप ये चीज है ना बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके बुक में इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैं ये इसमें आपको कुछ अपनी तरफ से भी बता रही हूँ कि फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा प्रोटीन वाला खाना खाओ, फैट नहीं खाओ ज्यादा, ऐसा बोलते हैं ना कोई कि बच्चों को बहुत प्रोटीन खाना चाहिए ताकि जल्दी बड़े हों, हेल्दी हों, और उनको ज्यादा फैट वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, किसी को भी ज्यादा फैट वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, या वो मत खाओ उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, वो मत खाओ इसमें ये है, बोला जाता है ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत सारा खाओ बीमारियों से बचोगे। तो ये वर्ड आपने सुना होगा कि इसमें विटामिन होता है, इसमें ना मिनरल होता है, मिनरल वाटर, ऐसा वर्ड सुना है ना, यही न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं। क्या, अब मैं उनके नाम आपके सामने लिख रही हूं, प्रोटीन, CARBOHYDRATES कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स VITAMINS विटामिन्स, एंड MINERALS दीज आर फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा भी आपको बताऊंगी मैं, लेकिन आप, मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि ये नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, जब कोई एड आती है ना, ये ड्रिंक है इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, दिस इज गुड फॉर चिल्ड्रन किड्स बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन्स, ऐसा सुना होगा। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ये खाओ तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वो खाओ तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट कम खाओ, विटामिन वाली चीजें खाओ, फ्रूट्स खाओ जिसमें ये विटामिन होता है, विटामिन ये बी होता है, सी होता है, ऐसा सुना है ना आपने। अभी कोविड में क्या बोलते हैं, विटामिन सी की चीजें खाओ, अभी जो कोरोना है उसमें लोगों को क्या बोला जा रहा है, विटामिन सी की चीजें खाओ, विटामिन्स, तो ये विटामिन्स।
और मिनरल्स, ये है हमारे फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स के नाम, ठीक है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये पांच, ये फाइव हमारे फाइव फिंगर्स, फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए, इन पांच न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर और रफेज भी होता है, एक चीज होती है रफेज, क्या है रफेज, आर ओ यू जी एच ए जी ई, वो क्या होता है, ये रफेज क्या होता है, ये भी बॉडी को चाहिए होता है, इसको ये ना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, इसको हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं करता है, ये बॉडी से निकल जाता है, लेकिन ये बॉडी से वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है, बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको निकालने में हेल्प करता है, इसलिए रफेज भी जरूरी है। और वाटर तो हम सबको पता है कि कितना जरूरी है हम सबके लिए, फाइव न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें चाहिए वाटर एंड रफेज, बिकॉज वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर बॉडी, ठीक है। जो भी हम खाते हैं उन खानों से द फूड दैट वी ईट गिव्स अस दीज मेन न्यूट्रिएंट्स, द फूड दैट वी ईट दे कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स एंड अलोंग विद दीज न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड वाटर एंड रफेज टू, समझ में। द फूड दैट वी ईट कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, जो हम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को जरूरत है वो ये सब हमें अपने खाने से मिलता है, द फूड दैट वी ईट एंड अलोंग विद दीज वी नीड आवर बॉडी नीड्स वाटर एंड रफेज ऑल्सो, ये भी चाहिए। तो ये हमारे फूड से रिलेटेड फैक्ट्स हुए। अब हम टाइप्स ऑफ फूड की तरफ, सोर्स ऑफ फूड की बात करेंगे, ठीक है। खाना हमको मिलता कहाँ से है, बताया था ना, फूड हमें, हमारे सोर्स ऑफ फूड कहाँ क्या है। Now let me erase this so that I can write. लिखूंगी तभी आपको पता चलेगा। पहला जो हम इसके बात करें कि source of food. जो भी खाते हैं वो हमें कहां से मिलता है, कहां से मिलता है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्रीड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमको प्लांट्स से और एनिमल्स से ही खाना मिलता है, इन दोनों से हमें खाना मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। जो भी आप वेजिटेबल खाते हो, जो भी आप फ्रूट्स खाते हो, वो हमें प्लांट से मिलता है, सारी सब्जियां हमें प्लांट से मिलती हैं, सारे फ्रूट्स हमको प्लांट से मिलते हैं, जितना भी अनाज आप खाते हो, ग्रेन्स आप खाते हो ना, सीरियल्स, चावल, दाल, चावल, गेहूं, मेज जो होते हैं, गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीट, तो राइस, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, जितने भी ये ग्रेन्स है, सीरियल्स हैं, ऑल दीज वी गेट फ्रॉम प्लांट। राइस कहाँ से निकलता है, पैडी बोलते हैं, पैडी जो होता है धान होता है, जिसको हिंदी में धान बोलते हैं और इंग्लिश में पैडी बोलते हैं, उसमें से हमको राइस मिलता है। वीट भी नो, वीट हिंदी में उसे गेहूं बोलते हैं और इंग्लिश में वीट बोलते हैं। मेज मतलब मक्का जो होता है, ज्वार और बाजरा को ज्वार और बाजरा ही बोलते हैं, वो भी सीरियल्स में आता है। तो ये सारा आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। जितने भी पल्सेस आप खाते हो, दालें खाते हो, वो सब हमें प्लांट से मिलता है। ऑयल जो आप तेल, जिस तेल में मम्मी खाना पकाती है ना, मस्टर्ड, सोयाबीन और ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये सारे भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। सारे स्पाइसेस जो मसाले डाल के मम्मी खाना बनाती है ना, टेस्टी टेस्टी, वो स्पाइसेस भी हमको प्लांट से ही मिलते हैं। तो मेन हमारा सोर्स क्या है, एक तो प्लांट है, दूसरा एनिमल, एंड पहले प्लांट्स वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फूड फ्रॉम प्लांट कर देती हूँ।
प्लांट्स। प्लांट्स से जो हमें फूड मिलता है उसकी अब हम बात कर रहे हैं। क्या मिलता है? पहला FRUITS फ्रूट्स। अब आपको पता ही है एप्पल सबसे कॉमन नाम आता है हमारा, बनाना, ऑरेंज और मैंगो। अभी सीजन है ना मैंगो का। वाटरमेलन, पाइनएप्पल, लीची एक्सेट्रा। क्योंकि हम सारे फ्रूट्स के नाम नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है ना। जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, ग्वावा, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ऑल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। सब हमको प्लांट्स से मिलता है। फ्रूट्स हो गए। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में क्या है? अब आप इसमें जितने वेजिटेबल्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। कुछ का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। किससे शुरू करें? लेडी फिंगर से शुरू करते हैं। चलिए, लेडी FINGER, लेडी फिंगर्स। कैबेज, टमाटो, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, अनियन। ओनियन नहीं होता, कुछ लोग ओनियन बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अनियंस, ठीक है। और बहुत सारे जितने भी आपको वेजिटेबल्स के नाम याद आते हैं ना, वो सब आप सोच सकते हैं। ऑल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, वो सारे हमको प्लांट्स से मिलते हैं। अच्छा, एक चीज है ब्रिंजल, जो हम बोलते हैं ना ब्रिंजल, ये इंडिया में खाली ब्रिंजल बोला जाता है बैंगन को, अदरवाइज इसको एग प्लांट कहा जाता है। इट्स कॉल्ड एग प्लांट। ब्रिंजल इज कॉल्ड, एक्चुअली इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एग प्लांट। हिंदी में हम बैंगन बोलते हैं, इंग्लिश में एग प्लांट बोलते हैं। अदरवाइज ब्रिंजल जो वर्ड है ना, वो सिर्फ हमारी कंट्री में ही यूज होता है, ये भी याद रखिए आप। अदरवाइज इट इज कॉल्ड एग प्लांट। तो सारे जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, जितना आपको दिमाग में वेजिटेबल्स आ रहे हैं, कैरेट, रेडिश, स्पिनच, बॉटल ग्वार्ड, बिटर ग्वार्ड, जो भी आपको अभी दिखेगा ना ठेले पे, समझ लेना कि वो सब हमें प्लांट से मिलते हैं। जितने भी बीन्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम, चिली, ऑल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया। अब थर्ड चीज क्या है? सीरियल्स, जो अनाज मैंने बताया आपको, वो टीवी पे जो सीरियल्स आता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीरियल्स में क्या क्या हो गया? अब है इसमें वीट, पैडी, पैडी मतलब धान, फिर धान में से ही राइस निकलता है, ठीक है। मेज, ज्वार, BAJRA, बाजरा, एक्सेट्रा। मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सीरियल्स भी बहुत तरह के होते हैं, तो मिलेट्स वगैरह जितने भी हैं, सारे सीरियल्स जो है हमको, जो भी हम अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ऑल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ऑल पल्सेस, जितने भी दालें हैं, चाहे वो तुअर दाल जिसको अरहर दाल बोलते हैं ना, अरहर दाल, मसूर, मूंग, ये सारे जितने भी लेंटिल्स हैं, ये सारे हमको प्लांट्स से ही मिलते हैं, पल्सेस। तो यहाँ पे मैं पल्सेस लिख देती हूँ, चाहे वो अरहर हो, मूंग हो, यहाँ लिख देती हूँ AR HAR। अरहर को हम अपने यूपी में अरहर बोलते हैं, अदरवाइज इट इज कॉल्ड तुअर, तुअर दाल भी इसको बोलते हैं। फिर मूंग, MOONG, मूंग, मसूर, एक्सेट्रा कर देते हैं। जितनी भी तरह की दालें होती हैं, जितनी भी तरह के पल्सेस होते हैं, ऑल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो ये हमारे खाने का मैक्सिमम पार्ट आपको समझ में आ रहा है, प्लांट से ही आता है। तो मेन सोर्स ऑफ आवर फूड इज प्लांट एंड ऑफ कोर्स एनिमल्स। एनिमल्स से हमको क्या क्या मिलता है? जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो
बता सकते हैं ना कि उनको एनिमल से क्या क्या मिलता है, या बाकी लोग भी तो बता ही सकते हैं ना, भले नहीं खाती हूँ बता तो सकते हैं ना, प्लांट हमको एनिमल से क्या मिलता है खाने के लिए, मीट, फिश, एग है ना, चिकन मटन जो होता है, ये सारा किससे मिलता है, एनिमल से। उसके अलावा वेजिटेरियन लोग भी एक चीज खाते हैं जो एनिमल से मिलता है, मिल्क, और मिल्क से कितनी सारी चीजें बनती है ना, तो एनिमल से हमें क्या मिलते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, वी गेट मिल्क, सबसे पहले मिल्क ही लिख देती हूँ क्योंकि मिल्क बहुत इम्पोर्टेंट हमारा फूड है। मिल्क जो एक ऐसा फूड है जिसे हम कंप्लीट फूड बोलते हैं, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब मैंने न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए थे ना आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, विटामिन्स, वो सारी चीजें मिल्क में होती हैं, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड भी बोला जाता है। और ये मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, काओ, बफलो, गोट, कैमल, याक का भी कहीं जगह कितनी जगह पे मिल्क निकालते हैं, तो जितना भी ये दूध है ये हमें एनिमल से मिलता है, मिल्क वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। और उस मिल्क से, सिर्फ मिल्क तक ही हम लिमिटेड नहीं हो जाता, फिर उस मिल्क से पनीर बनता है, कर्ड बनता है ना, कॉटेज चीज जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में कॉटेज चीज बोलते हैं, हिंदी में पनीर बोलते हैं, और कर्ड दही बनता है, छाछ, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, बटर मिल्क बनता है, और स्वीट्स बनते हैं, मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं दूध से, है ना। तो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, खाने में बहुत इसका यूज होता है, सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि इससे बहुत सारी चीजें भी बनती है। तो मिल्क हो गया एनिमल से, और क्या मिलता है, मीट है ना, गोट है, हेन है, शीप है, और कुछ बर्ड्स होते हैं और जिनका की मीट खाते हैं, डक का भी खाते हैं, टर्की एक बर्ड होती है उसका भी खाते हैं, तो ये सारे एनिमल से मीट मिलता है। मेन तो हेन और गोट ही है सबसे कॉमन, हेन से मीट मिलता है, गोट से मिलता है, बट देयर आर प्लेसेस वेयर पीपल ईट मीट ऑफ शीप, याक एंड अदर एनिमल्स। देन फिश भी, लोग तरह तरह के फिश हैं, मेनी वेराइटी ऑफ फिश आर देयर फॉर फूड, ऐसा नहीं कि फिश बोलो तो एक ही टाइप के फिश है, देयर आर वेराइटी ऑफ फिश। जो लोग फिश खाते हैं ना उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कितने तरह की फिश हैं खाने के लिए। उसके बाद है एग, ये भी एनिमल से मिलता है, हेन से, डक से मिलता है ना एग, तो ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है, मिल्क, मीट, फिश एंड एग, दीज फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ये एनिमल्स से हमको मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह का लोग खाना खाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फूड आइटम द पीपल ईट, पीपल आर कैटेगराइज इंटू डिफरेंट कैटेगरी। The people who eat only food from the plant, the people who eat food that we get from plant, only that food which we get from plant, they are called vegetarians. मतलब वो लोग जो सिर्फ वो ही खाना खाते हैं जो हमें plant से मिलता है, ठीक है। The people who eat food that we get from plant, only that food which we get from plant, they are called vegetarians. उनको vegetarians बोला जाता है। इसमें milk exception है, vegetarians लोग milk use करते हैं, milk खाते हैं, तो क्योंकि उसमें directly meat animal का वो नहीं आता है, meat या flesh नहीं आता है, इसलिए तो meat exception है। तो जो लोग सिर्फ वो खाना खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग मीट खाते हैं, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो प्लांट वाली चीजें नहीं खाते हैं, मतलब वो प्लांट्स की भी चीजें खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, दे ईट प्लांट प्रोडक्ट ऑल्सो एंड एनिमल प्रोडक्ट ऑल्सो।
प्लांट से मिलने वाली चीजें भी खा रहे हैं और एनिमल से मिलने वाली चीजें भी खा रहे हैं, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। तो ये दो कैटेगरी है। इसके अलावा जो है वेगन्स भी होते हैं, वो कुछ लोग उनको वेगन्स बोलते हैं, कुछ लोग वेजन्स बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मिल्क भी नहीं यूज करते, दे आर टोटली वेजिटेरियंस। मतलब ये सिर्फ वो चीजें खाते हैं जो प्लांट से मिलता है, एंड दे डू नॉट इवन टेक मिल्क, मिल्क भी नहीं खाते क्योंकि वो एनिमल से मिलता है, तो दे आर कॉल्ड वेगन्स। अदरवाइज बाकी जो मिल्क लेते हैं और बाकी प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं उनको कहते हैं वेजिटेरियंस। जो लोग प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं साथ में एनिमल प्रोडक्ट भी लेते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, इसका मतलब दे ईट फूड फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज फूड फ्रॉम प्लांट, तो उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। दिस आई विल राइट ऑन द बोर्ड, मैं लिख दूंगी इसको, बट अभी सिर्फ आप इसको समझ लीजिए। और आज के वीडियो को हम यहीं पे अब पॉज कर देंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें हमने आज के वीडियो में कवर कर ली है ऑलरेडी। तो ये जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाली चीजें हैं, दैट आई विल राइट ऑन द बोर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहाँ पॉज करते हैं, जो भी समझाया है ध्यान से सुनिएगा, एंड देन वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।